अघोरी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम चल रहे हैं गुजरात शहर के जामनगर डिस्ट्रिक्ट में, द्वारका शहर से महज 20 से 30 किलोमीटर दूर, जो कि है ओखा, जगह का नाम, जहां पर कि गोपी तालाब और बेट द्वारका, जो कि सोने की द्वारका है, जो कि टापू पे बसा हुआ है। गोपी तालाब द्वारका में इस स्थान पर एक छोटा तालाब है, और ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ गोपियों के साथ रासलीला खेलते थे। द्वारका शहर से उत्तर की ओर 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस तालाब के किनारे की रेत अत्यंत नरम और पीले रंग की है, जिसे गोपी चंदन कहा जाता है, जिसका उपयोग भक्त तिलक लगाने के लिए भी करते हैं। यहाँ के मंदिर निजी मंदिर हैं, और यहाँ पर कई तैरते हुए पत्थर भी हैं, जो कि आपको दिखाई देंगे हर एक मंदिरों में गोपी तालाब से पहले। कहा जाता है श्री कृष्ण ने गोपियों को इस तालाब की पवित्र मिट्टी से स्नान करवा कर उन्हें पवित्र किया था। बाद में गोपियों ने कृष्ण के विरह में इस तालाब में प्राण त्याग दिए थे। चलिए अब आपको मैं लेके चल रहा हूँ बेट द्वारका, जो कि सोने की द्वारका कहा जाता है, और एक टापू पे चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ बसा हुआ है। द्वारका शहर से करीब 35 किलोमीटर दूर चारों ओर पानी से घिरा हुआ ये एक टापू है। अगर द्वारका जाकर बेट द्वारका ना गए तो ये आपकी यात्रा को अधूरा बना देता है। द्वारका राजधानी थी और यहाँ भगवान का निवास था। भगवान अपनी रानी जी के साथ यहाँ पर रहते थे। यहाँ जाने के लिए ओखा जेटी से जाना पड़ता है। ये यात्रा बोट से ही करनी पड़ती है, जो करीब 5 किलोमीटर की होती है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का 500 साल पुराना मंदिर है, जिसका पुनः निर्माण श्री वल्लभाचार्य जी ने करवाया था। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति है, जिसे भगवान की पत्नी रुक्मणी जी ने खुद अपने हाथों से बालू नाम की मिट्टी और समुद्र के पानी से बनाई। लोगों के अनुसार इस जगह को एक श्राप मिला हुआ है, इसलिए यहाँ पर खेती बाड़ी कुछ भी नहीं होता, लेकिन ज़रूरी अन्न यहाँ के लोग ओखा या द्वारका से ही लाते हैं। इसके बावजूद यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आते हैं, उनके भोजन की व्यवस्था काफ़ी अच्छे तरीके से की जाती है। बेट द्वारका जाने तक के लिए आपको फेरी लेनी पड़ेगी। एक फेरी में लगभग 100 से 200 लोग होते हैं, और पर पर्सन आपका कॉस्टिंग होगा 20 से 30 रुपये।
जहाँ पर श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा से भेंट की थी, इसीलिए इस जगह को भेंट द्वारका या बेट द्वारका से भी जाना जाता है। यहाँ मंदिर में श्री कृष्ण और सुदामा जी की मूर्तियाँ विराजित हैं। सुदामा जी बहुत ही गरीब थे और उनके मित्र को भेंट में चावल देने के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं था, इसलिए वो भगवान के लिए सिर्फ चावल लाए थे भेंट देने के लिए। इसलिए यहाँ मंदिर में ब्राह्मणों को चावल भेंट में देने की परंपरा आज भी देखी जा सकती है। मंदिर एक ऐसे टापू पर बसा हुआ है जहाँ की पॉपुलेशन में 70% अदर समुदाय है और 30% हिंदू समुदाय है, जिनके लिए खाना भोजन केवल वहाँ के श्रद्धालुओं के ऊपर डिपेंड होता है। जितने श्रद्धालु जाते हैं दान करते हैं उतना ही उनके पास खाना और भोजन उनके टापू पर आ पाता है। बेट द्वारका से निकलते ही हमारी यहाँ पर यात्रा समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, नहीं लगी हो तो क्या आप पार्ट चाहते हैं ऐसा कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिए, या फिर आप किसी और जगह की यात्रा चाहते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।